एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पेट्रियोटिक टेक। सो आज की वीडियो भी होने जा रही है इंटरेस्टिंग, और मैं अपनी नई सीरीज को स्टार्ट करता हूँ टेक न्यूज़। तो आज आप जैसे आप सबको पता है पबजी हो चुका था बैन इंडिया में, क्योंकि वो था टेंसेंट के साथ कोलैबोरेशन में, और हमारे गेमर्स थे एक बहुत ही बड़े शौक में। तो ये न्यूज़ आपके लिए है गाइज, तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही तगड़ी न्यूज़ है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। सो भाई, जैसे कि हमें पता था कि टेंसेंट के वजह से इंडिया में पबजी बैन हो गया था, जिससे कि हम सब मतलब कि हम सब शॉक हो गए थे। और वो आता सेक्शन 69A के वजह से। अब ये सेक्शन 69A है क्या? अब ये इसका मतलब है कि जो टेंसेंट या पबजी हमारी डाटा को दूसरे कंट्री या फिर जगह पे शेयर कर रहा था, जो कि एक इलीगल थिंग है और जो हम नहीं चाहते हैं। मेन रीजन था कि चाइना के साथ हम चाइना को प्रॉफिट ना दें। तो जियो, जी हाँ, जियो और पबजी एक साथ जुड़ गए हैं, और यही न्यूज़ है। जियो और पबजी बात कर रहे हैं कि इंडिया में पबजी कैसे वापस लाया जाए, और पबजी और जियो, जियो अगर पबजी के साथ जुड़ेगा तो जियो का बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा, और पबजी इंडिया में वापस आ जाएगा, जो कि बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है हम सब गेमर्स के लिए, और इससे फ़ायदा भी बहुत होगा। सो अब भाई क्यों सबसे अभी ये पूरी बात चल रही है, अभी कुछ कंफर्म हुआ नहीं है, अभी बात चल रही है गाइस। तो अभी आप ये मत समझना कि हाँ भाई अब तो हो गया है, ये अभी पबजी और जियो के बीच में बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो गेमर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो देखते हैं कब तक आती है न्यूज़ कि कब एक साथ कोलैब करेंगे लोग, और भाई मज़ा आने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देश पहले हमारा, हम गेमर्स, हम यूट्यूबर्स तो बाद में, तो इसमें देश का क्या फ़ायदा होगा? तो जब टेंसेंट से, जब ही इंडिया में पबजी वापस आएगा, जब टेंसेंट से वो कोलैबोरेशन तोड़ देगा, और वो कोलैबोरेशन जियो के साथ कर लेगा, या फिर कोई इंडियन, या फिर हमारा जो मेन मकसद था वो था कि प्रॉफिट चाइना से हटा के इंडिया या फिर कोई दूसरी कंट्री में लाए, तो ये चीज़ तो होगी इस वजह से। तो ये चीज़ इंडिया के लिए भी अच्छी है और गेमर्स के लिए भी अच्छी है। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो गाइज, थैंक यू।